another World Cup final, another poor performance by India, and well played Australia, deserved team wins the World Cup, and well played Alex Healy and Beth Mooney. Because opening जो यार ऑस्ट्रेलियन टीम की आज हुई थी उसी से पता लग रहा था कि कितना बड़ा टारगेट जाएगा. बीच में इंडिया ने कंट्रोल करने की सोची लेकिन उतना कंट्रोल हो नहीं पाया और एक ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ा टारगेट इंडिया के सामने रखा. 185 रन फाइनल में 20-20 ओवर के गेम में इतना बड़ा टारगेट एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है जो कि इंडिया झेल नहीं पाई और जिसकी वजह से इंडिया 100 रन भी नहीं बना पाई. और जो ये नॉकआउट मैचेस हो रहे हैं आईसीसी के, जो ये सेमीज हो रहे हैं, जो ये वर्ल्ड कप फाइनल हो रहे हैं, इनसे इंडिया का रिश्ता कुछ ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है और अभी तक कुछ नहीं रहा है. क्योंकि अगर मैं 2014 से बात करूं और अब 2020 आ चुका है तो एक भी मैच इंडिया जीती नहीं है. 2014 में रनर अप रही, 2015 में सेमीफाइनल में हार हुई, 2016 में फिर सेमीफाइनल में हार हुई, 2017 में चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में हारी, 2018 में रनर अप रही वुमेन्स टीम हमारी वर्ल्ड कप में जो इंग्लैंड से मैच हारी थी, 2019 में हमारी बांग्लादेश से अंडर 19 की टीम हारी, 2019 में हमारी सीनियर टीम न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में हारी, इसके बाद 2020 अभी जो ये मैच हुआ है उसमें वापस से दोबारा एक इंडिया फाइनल में हार चुकी है. तो सबसे पहले तो मैंने ये कहा ही था कि अगर जब तक पूरी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी जब तक टीम जीत ही नहीं सकती है. शेफाली वर्मा पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेली थी, आज वो नहीं चली तो कोई नहीं चला. ना स्मृति मंदाना, ना हरमनप्रीत कौर, ना जेमिया रोड्रिगेज, ना दीप्ति शर्मा इतनी चली. हिटिंग तो दिख ही नहीं रही थी. इतना डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस था आज इंडिया का, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको. 38 सर्किल से बॉल नहीं क्रॉस हो रही थी, आधी से ज़्यादा टीम 38 सर्किल में आउट हुई है इंडियन टीम. तो इस हार से सिर्फ एक ही हम जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये ले सकते हैं कि सारे यंगस्टर थे तो उन्हें को सीख मिलेगी इस फाइनल से. और जब नेक्स्ट टाइम इंडिया किसी आईसीसी इवेंट में खेलेगी वुमेन्स टीम या हमारी मेंस टीम तो और अच्छे से खेलेगी. बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का ये 5वां टाइटल था सो एक्सपीरियंस मैटर. एक्सपीरियंस के तौर पे ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीता और बार उन्होंने अपने नाम वर्ल्ड कप किया. और इंडिया की एक बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस पूरे उसमें पूरे वर्ल्ड कप में बॉलिंग चल रही थी लेकिन आज बॉलिंग नहीं चली. लगा कि बैटिंग चलेगी लेकिन बैटिंग आज उससे भी बुरी, 99 रन बनाए खाली इंडिया ने और बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस थी आज इंडिया की. सो हम एक काम कर सकते हैं कि यार अगली बार जब इंडिया आएगी तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी. सो कीप सपोर्टिंग इंडिया, तो सपोर्ट में रहें. और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, दे प्लेड रियली वेल इन द होल्ड वर्ल्ड कप पहली फर्स्ट मैच को छोड़ दे तो. सो आज के लिए इतना गाइस, इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें, इंडियन टीम का सपोर्ट करें और बस आज के लिए मैं इतना ही भूलूंगा. सो जय हिंद, जय भारत.